रोहित, विराट, राहुल आएंगे, तीन खिलाड़ी प्लेइंग 11 से बाहर जाएंगे, बदल जाएगी टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज गवा बैठी है। अब टीम इंडिया को आगे बांग्लादेश का दौरा करना है। इस दौरे पर टीम इंडिया को वनडे और फिर टेस्ट सीरीज खेलनी है। ऐसे में वर्ल्ड कप के बाद जिन सीनियर खिलाड़ियों ने आराम लिया था, अब वो बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया में एंट्री करेंगे। ये बड़े खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली। यानी कि इन तीनों के आने से अब वो युवा खिलाड़ी टीम के प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएंगे जिन्हें न्यूजीलैंड में मौका मिला था, और कुछ खिलाड़ी तो इस टीम का हिस्सा नहीं है। शुभमन गिल का कटेगा पत्ता। जी हाँ दोस्तों, जिस शुभमन गिल के बारे में बात की जाती थी कि वो 2023 वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया में खेल सकते हैं, वैसा तो बड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि शुभमन गिल को बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है, क्योंकि केएल राहुल वापसी कर रहे हैं, रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं और शिखर धवन तो टीम में पहले से ही है। ऐसे में मान लिया जाए कि बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया के लिए शिखर धवन और रोहित शर्मा ही ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। श्रेयस अय्यर की नहीं बनेगी टीम में जगह। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रेयस अय्यर की टीम में जगह क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि उन्होंने तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। तो आपको बता दें कि भले ही बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में सूर्य कुमार यादव टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर फिर भी मुश्किल से टीम में अपनी जगह बना पाएंगे, क्योंकि राहुल की टीम में वापसी हो रही है। और अगर रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन टीम में खेलते हैं तो केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा सकता है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की जगह केएल राहुल नंबर 4 पर खेलेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत टीम में होंगे और वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। उमरान मलिक को मुश्किल मिलेगी प्लेइंग 11 में एंट्री। अब उमरान मलिक को प्लेइंग 11 में एंट्री बड़ी मुश्किल से मिल सकती है, क्योंकि उमरान मलिक एक तो बांग्लादेश दौरे पर नहीं जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो बांग्लादेश दौरे पर नहीं जा रहे हैं तो वो प्लेइंग 11 में कैसे खेल जाते। तो आपको बता दें कि ये बात उमरान मलिक के भविष्य को लेकर हो रही है, क्योंकि हमने रोहित, विराट और राहुल जैसे खिलाड़ियों की बात की जो कि बल्लेबाज है, और उनके आने से बल्लेबाजों पर असर पड़ेगा जो युवा बल्लेबाज न्यूजीलैंड में अच्छा प्रदर्शन करके गए। लेकिन उमरान मलिक के गेंदबाज और वो बांग्लादेश दौरे पर जा नहीं रहे हैं, और उसके बाद जो आगे सीरीज होगी उसमें हो सकता है कि उमरान मलिक को 15 खिलाड़ियों की टीम में एंट्री मिल जाए, लेकिन बुमराह और मोहम्मद शमी के आने के बाद मुश्किल ही उमरान मलिक को टीम इंडिया के लिए प्लेइंग 11 में एंट्री करने का मौका मिल पाएगा। ऐसे में ये तीन युवा खिलाड़ी हैं जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर जैसे खिलाड़ियों के सीनियर होने की वजह से छुप जाएंगे, और इन खिलाड़ियों को अब आगे कब मौका मिलेगा इसके बारे में साफ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सीनियर खिलाड़ी वापस आ भी जाएं उसके बावजूद इन युवा खिलाड़ियों को मौके मिलते रहने चाहिए, या फिर सीनियर खिलाड़ी ही ठीक है, उनको ही टीम इंडिया में खिलाते रहो? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।